दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था, उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए प्लीज इसे स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। पर अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खम्बे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे। दोस्तों, वो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खम्बे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खम्बे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खम्बे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खम्बे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए, जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है, इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खम्बा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं।